एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे D.ed स्पेशल एजुकेटर ट्रेनिंग के बारे में, जो कि हमारा टीचिंग कोर्स है। यह टीचिंग कोर्स भी 2 ईयर का है, जैसा कि हमारा D.ed कोर्स था। बट इसमें क्या डिफरेंस है, इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ D.ed स्पेशल एजुकेटर ट्रेनिंग इसका क्या मीनिंग है। तो D.ed में जैसे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन था, जिसे आप D.ed के नाम से जानते हैं, सेम उसी तरह डिप्लोमा इन एजुकेशन यह कोर्स है। तो इस कोर्स में स्पेशल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, मीन्स आप एक स्पेशल टीचर बन सकते हैं। अब स्पेशल टीचर किस तरह से, वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि D.ed स्पेशल एजुकेटर ट्रेनिंग के जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आप स्क्रीन पर खुद भी देख सकते हैं कि 14 सितंबर से हमारे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, देन लास्ट डेट इसके 30 सितंबर है। तो इस बीच आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इससे पहले एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता था, बट कोरोना वायरस की वजह से इस साल मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी परसेंटेज इतनी अच्छी है कि आपका नंबर आ सकता है, आपका एडमिशन हो सकता है, देन आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो आप चलिए बात कर लेते हैं आगे इसी कोर्स के बारे में कि और क्या क्या एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरियाज हैं इस कोर्स के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे सामने एक पेज ओपन हुआ है, जिस पर शेड्यूल एंड गाइडलाइन फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा लेवल कोर्स इन स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी रिलेबल फॉर द एकेडमिक सेशन 2020 एंड 2021। इट मीन्स कि जो बच्चे डिसेबल होते हैं, मीन्स शारीरिक रूप से उनमें कुछ कमी होती है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर होते हैं उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। इट मीन्स कि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे देख नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो इसी तरह से जो भी बच्चों में डिसेबिलिटी होती है उसके हिसाब से आप जो भी कोर्स चुनते हैं, मीन्स आपको उन बच्चों को पढ़ाना है जो सुन नहीं पाते हैं या फिर उनको पढ़ाना है जो देख नहीं पाते हैं, तो उन स्पेशल बच्चों के लिए आपको एक स्पेशल टीचर बनना है ये कोर्स करके। तो अगर आप में इतनी एबिलिटी है कि आपको पता है कि आप स्पेशल बच्चों को पढ़ा सकते हैं एक स्पेशल टीचर बनके, देन आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए, क्योंकि आपके पास ये बहुत अच्छा मौका मिला है आपको एक बार फिर से कि आप एक टीचर बन पाएँ, वो भी ऐसे बच्चों का जिनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर चलिए आगे और बातें जान लेते हैं इस कोर्स के बारे में। देन ओपनिंग ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन, कि फर्स्ट राउंड एडमिशन जो है वो कब होंगे, तो वो 6 अक्टूबर 2020, यानी कि जब आप एडमिशन फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद जो आपकी एडमिशन लिस्ट यानी कि मेरिट लिस्ट आएगी वो कब आएगी, 6 अक्टूबर को आएगी। देन उसके बाद ओपनिंग और फाइनल जो हमारी फाइनल लिस्ट आएगी, इट मीन्स D.ed की हमारे सिर्फ 2 मेरिट लिस्ट आने वाली हैं, तो फाइनल लिस्ट आएगी 14 अक्टूबर को। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एडमिशन जो स्टार्ट हुए हैं 14 सितंबर से हुए हैं, देन लास्ट डेट जो है एडमिशन फॉर्म फिल करने की वो 30 सितंबर, देन हमारी फर्स्ट कट ऑफ 6 अक्टूबर को आएगी, देन हमारी सेकंड कट ऑफ इट मीन्स लास्ट कट ऑफ 14 अक्टूबर को आएगी, देन उसके बाद सबमिशन ऑफ फाइनल लिस्ट कैंडिडेट में सॉफ्ट कॉपी जो आएगी आपकी जो फाइनल लिस्ट आएगी, कि इसके बाद और बच्चों का एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वो लिस्ट आएगी आपके 19 to 21 अक्टूबर के बीच में। देन उसके बाद आपके जो क्लासेस हैं वो होंगी 26 अक्टूबर से स्टार्ट, मीन्स 26 अक्टूबर के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपकी पढ़ाई स्टार्ट होने के लिए। अब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए, तो बस यही से है इसमें कि आपको 10+2 यानी कि 10th and 12th पास होना चाहिए अच्छे नंबरों से, जब भी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं
जानती हूँ आप सब तो 12th पास हैं ही, आपके परसेंटेज भी बहुत अच्छी है, तो आप इस फॉर्म को फिल ज़रूर कीजिए। तो अब एग्जाम फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एडमिशन फॉर्म फिल करने की हमारी क्या फ़ीस है। तो जो जनरल स्टूडेंट एंड OBC स्टूडेंट हैं उनके लिए 500 रुपीज़ हैं। देन जो SC ST OBC SC ST and PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी है 400 रुपीज़। तो आपको फीस कंसेशन भी समझ में आ गया होगा कि जनरल एंड OBC स्टूडेंट के लिए 500 रुपीज़ एंड SC ST and PWD के लिए 400 रुपीज़ हैं। आपको फीस के बारे में नीचे बताया गया है कि आप फीस ऑनलाइन सबमिट करनी है आपको, कि आप भीम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, आप गूगल पे कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से आप अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। देन उसके बाद अगर आपको कोई अदर इंफॉर्मेशन चाहिए D.ed एजुकेशन से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड, तो इसमें वेबसाइट दे रखी है, वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन आप इस वेबसाइट पर जाकर भी सब कुछ डिटेल में जान सकते हैं। देन उसके बाद आपको कुछ कॉलेजेस दिए गए हैं, कुछ स्पेशल कोर्स बताए गए हैं कि इस जो D.ed स्पेशल एजुकेशन के ट्रेनिंग है उसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, किन किन बच्चों के लिए। तो सबसे पहला D.ed स्पेशल एजुकेशन इंटीकुलेट डिसेबिलिटी में, उसको किसे डिफाइन कर रखा है, जो आप एब्रीविएशन देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ID से कर रखा है। देन इसी तरह से ये 2 ईयर का कोर्स है, इसी तरह से इसमें 18 कोर्स हमें दे रखे हैं, जो कि हेयरिंग इम्प्रीमेंट है, विजुअल इम्प्रीमेंट है, ऑटिज्म है और मल्टीपल डिसेबिलिटी है। तो इसी तरह से हमें बहुत सारे कोर्स दे रखे हैं कि जिन बच्चों को सुनाई नहीं देखा, कुछ बच्चों को दिखाई नहीं देता, कुछ बच्चे बोल नहीं पाते, कुछ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसी तरह से जो भी सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं उसके हिसाब से अलग अलग कोर्स डिवाइड कर रखे हैं। तो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिन बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं, आप में इतनी एबिलिटी है कि आप उन बच्चों को बहुत अच्छे से नॉलेज दे पाएँ, उन बच्चों को बहुत अच्छे से एजुकेटेड कर पाएँ, तो उसी लिए आप उसी कोर्स के लिए अप्लाई कीजिएगा। और उस कोर्स के ड्यूरेशन भी अलग अलग हैं, आप जानते हैं 2 ईयर भी है, किसी कोर्स के 1 ईयर भी है, और किसी कोर्स के 2.5 साल भी है। तो आप खुद पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं देन मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही हो। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए टाइम आपके पास है, आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, आप कोई टीचर बनना चाहता है, स्पेशल एजुकेटर ट्रेनिंग बनना चाहता है, देन आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इस फॉर्म को फिल कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।